मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और अब हम इस वीडियो में फैक्टर थ्योरम स्टडी करेंगे, फैक्टर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। तो लास्ट जो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम थी उसमें हमने देखा कि पी एक्स का डिवाइजर अगर एक्स माइनस ए है तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर क्या बचता था उसमें आपने देखा था, उसमें रिमाइंडर बचता था पी ऑफ ए। अब रिमाइंडर पी ऑफ ए है, अगर ध्यान से सुनिए, अगर रिमाइंडर पी ऑफ ए है और अगर ये इसका फैक्टर बन जाए, कौन इसका फैक्टर बन जाएगा, एक्स माइनस ए इसका फैक्टर बन जाएगा। तो ध्यान से सुने, एक्स माइनस ए इसका फैक्टर बनेगा तो मैंने आपको बताया भी था कि पी ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा उस केस में, उस केस में पी ऑफ ए का होगा वैल्यू जीरो। तो उस केस में पी ऑफ ए क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो पी ऑफ ए इज जीरो, ध्यान से सुने, पी ऑफ ए अगर जीरो है, इफ पी ऑफ ए इज जीरो देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर है। कब, जब पी ऑफ ए जीरो हो, क्योंकि अगर एक्स माइनस ए से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचता है हमको मालूम है, पी ऑफ ए। और अगर रिमाइंडर बचा नहीं तो इसका मतलब वो उसको डिवाइड करता है। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया 17 को तो मेरे पास आ जाता है 28 जा 16 और रिमाइंडर बचता है 1। पर अगर 17 की जगह मैं क्या ले लूँ, 18 ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 29 जा 18 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 2 इसका क्या है, फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम और डिविजिबिलिटी अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे क्लास 6 के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये अगर इसका फैक्टर है तो ध्यान से सुनिए, पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, जब एक्स माइनस ए इसका क्या होगा, फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम समझते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से हैं। देखिए इसमें पूछता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि चेक वेदर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ फॉलोइंग, किनका, इनका नीचे जो दिए हैं एक्सप्रेशन इनका फैक्टर है कि नहीं है। पहला है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दूसरा आपके पास है, दूसरा ऑलमोस्ट सेम है तो हम, और तीसरा भी सेम है तो मैं फोर्थ वाला लेता हूँ, फोर्थ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। तो अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है तो हम सबसे पहले, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, x प्लस वन को जीरो से इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू आएगी माइनस वन, तब हम x की जगह माइनस वन डालेंगे। यहाँ माइनस वन डालिए आप इसमें, माइनस वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, ये माइनस वन वन कैंसिल, माइनस वन का क्यूब होगा माइनस वन और माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, ये भी क्या आ गया, जीरो। तो यस इट इज़ अ फैक्टर, किसका फैक्टर है, ये इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। इस केस के लिए भी अपन एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस वन, तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस वन स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू माइनस वन प्लस रूट टू, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस और माइनस वन स्क्वायर इज प्लस वन, तो ये प्लस वन है तो बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस वन बन जाएगा, ध्यान से देखो। और ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो गया, टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, माइनस वन माइनस वन टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। माइनस वन माइनस वन माइनस टू और ये टू कैंसिल हो गए, पर ये जो है वो जीरो नहीं है। देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, एक्स प्लस वन इसका एक फैक्टर नहीं है। किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है पर इसका एक फैक्टर नहीं है। अगर ये फैक्टर होता तो आंसर क्या आ जाता, आंसर आता आपका जीरो। अब आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 में और ज़्यादा सीख पाएंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में
ये है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें सब पार्ट्स हैं और हमें देखना है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स आर नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का पहला केस, पहले केस में आपको दिया पी ऑफ एक्स 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और जी एक्स है एक्स प्लस 1। देखना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए जी एक्स इसका फैक्टर है या नहीं है, x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है या नहीं तो x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, माइनस 1 आएगा। माइनस 1 हम इसमें डालेंगे पी ऑफ माइनस 1, अगर ये 0 हो जाता है तो ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। तो ये जाएगा माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज वन ऑफ इट्स फैक्टर्स, ये इसका एक फैक्टर है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर मेथड अप्लाई करना है आपको और आप देखेंगे कि वो उनके फैक्टर हैं या नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप तो 3 में आपको बोला है कि फॉर व्हाट के, फॉर व्हाट के की कौन सी वैल्यू के लिए x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ फॉलोइंग। अब उसमें पहला केस जो है वो दिया है आपको p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस k। तो अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस k, देन p ऑफ 1 शुड बी 0। p ऑफ 1 की जगह क्या होगा, 0, x² प्लस x प्लस k है, इट इज नॉट 1 इट इज k, तो p ऑफ 1 इज 0। तो p ऑफ 1 अगर 0 है तो x की जगह 1 डाल दीजिए, तो p ऑफ 1 आएगा 1² प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये दोनों ट्रांसफर करो उधर तो k की वैल्यू आ गई माइनस 2। अगर इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जिसमें रूट है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, p ऑफ x है kx² माइनस रूट 2x प्लस 1। अगर ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इस केस में भी p1 क्या होगा, p1 0 होगा, p1 0 होगा तो रख दें x की जगह 1, k इंटू 1² माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू, इसको भेज दें उधर, इसको भी भेज दें उधर, तो रूट 2 माइनस 1, ये आपका आंसर है इसका। अब क्वेश्चन, अब जब हम सीख गए फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट कि फैक्टर अगर होगा तो वो वैल्यू रखने में x की, अगर x माइनस है उसका फैक्टर है तो x की वैल्यू 1 a रखने में वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये थी फैक्टर थ्योरम। लास्ट वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम देखी थी, अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना बड़ा आसान सा तरकीब है, मैं आपको बताता हूँ। फैक्टराइज पहला एक्सप्रेशन है 12x² माइनस 7x प्लस 1, दूसरा एक्सप्रेशन है 2x² प्लस 7x
प्लस 3, थर्ड एक्सप्रेशन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। ये सारे केसेस हैं जिसमें हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो आओ फैक्टराइजेशन के लिए पहले कुछ बेसिक बात सीख ले हम। जैसे मान लीजिए कि एक कोई एक्सप्रेशन है, पॉलीनोमियल है, x² प्लस ax प्लस bx प्लस ab। तो इसको अगर हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस a, b कॉमन लेंगे तो x प्लस a। अब दोनों में से हमने x प्लस a कॉमन ले लिया, तो x प्लस a बाहर आ गया, अंदर कौन बचेगा? x प्लस b। और ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख दो x² प्लस a प्लस bx प्लस ab, इसमें से x कॉमन ले लिया। तो ये लास्ट ईयर आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि ये दोनों इक्वल होते हैं। कौन दोनों इक्वल होते हैं? x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस bx प्लस ab। इस तरह से इसके क्या निकल जाते हैं? फैक्टर निकल जाते हैं। किसके? इसके ये फैक्टर हो गए। और अगर आपने इसको ओपन किया तो ये आपके पास राइट साइड आती है। तो इसमें क्या टेक्निक है? इसमें टेक्निक ऐसी है कि आप सबसे पहले जो इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशियंट कॉमन ले लें। 12 कॉमन ले लिया, x² माइनस, यहाँ 12 नहीं है तो यहाँ पे 12 अपॉन में आएगा 7/12, ताकि आप मल्टीप्लाई करो तो वापस से 7 हो जाए। प्लस कितना हो गया आपके पास? 1/12। अब ये 1/12 हो गया। अब इसके जो फैक्टर होंगे वो किस तरह से होंगे? इसके जो फैक्टर होंगे वो इस तरह से होंगे, x² प्लस a प्लस bx, और आखिरी में क्या आएगा आपके पास? ab। ab मतलब ये चीज टूटेगी, कौन सी चीज टूटेगी? 1/12 वाली चीज टूटेगी। तो 1/12 को तोड़ के लिख देता हूं मैं, 1/12 को तोड़ के लिख देता हूं, क्योंकि आखिरी टर्म क्या होती है आपने देखा होगा, आखिरी टर्म क्या होती है उसकी? ab। तो ये आखिरी की टर्म जो है ab है, ये टूट जाएगा, ये टूटेगा 1/12। तो 1/12 को तोड़ के लिख देते हैं। 1/12 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1/12 को लिख सकते हैं हम 1 × 1/12, दूसरा लिख सकते हैं हम 1/2 × 1/6, तीसरा लिख सकते हैं हम 1/3 × 1/4, और ऑफ कोर्स प्लस माइनस भी रहेंगे इसमें। और आगे अब इन पे क्या लग सकते हैं? तो इसके जो फैक्टर्स हैं इसको जो तोड़ते हैं वह हैं प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 1/4, प्लस माइनस 1/6, और प्लस माइनस 1/12। ये सारे इसके जो ब्रेकअप्स हैं, वो हैं। तो सबसे पहले हम x की जगह क्या डाल दें इसमें वैल्यू? सबसे पहले हम x की जगह क्या डाल सकते हैं इसमें? x की जगह अगर हमने 1 डाल दिया इसमें तो हम देखें क्या होगा। अगर x की जगह हमने 1 डाला तो 1 − 7/12 × 1 प्लस 1/12, ये हो जाएगा 1 − 7/12। 1 को आप ऐसा लिख लो 12/12 प्लस 1/12। अब आप आराम से कैलकुलेट करो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए। 12 − 7 = 5, 5 + 1 = 6, 6/12 विच इज़ नॉट जीरो। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 से काम नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है x माइनस 1 इसका एक फैक्टर नहीं है। अब अगर माइनस 1 रखने से काम बनता हो तो माइनस 1 भी रख सकते हैं अपन। तो माइनस 1 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर −7/12 × −1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा आपके पास? माइनस 1 का स्क्वायर 1, उसको आप लिखना 12/12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था तो यहाँ पे आ गया था प्लस 7/12। तो ये 7/12 प्लस 1/12, इससे भी जीरो नहीं हो रहा तो इसको भी आप छोड़ दो। अब आपके पास अगली वैल्यू कौन सी है? x इज इक्वल टू 1/2, तो x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दो आप? 1/2। तो जब 1/2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखना क्या होगा। x की जगह मैं 1/2 डाल रहा हूँ, 1/2 का स्क्वायर −7/12 × 1/2
प्लस 1/12, ये हो गया 1/4, 7/24 और 1/12। अब यहाँ भी 24 बनाना अपने को, तो 24 बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर दें, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर क्या हो गया देखो, ऊपर हो गया 6 माइनस 7 प्लस 2 अपॉन 24, ये ज़ीरो है क्या, ये भी ज़ीरो नहीं है। एक्स की जगह अब दूसरी वैल्यू 1/3 रख के चेक करते हैं, देखें 1/3 रख देते हैं हम, तो 1/3 से क्या होता है, तो देखो 12 और 1/3 डाल दूंगा मैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7/12 इंटू 3, 1/3 डाल दिया प्लस 1/12। अब आप ऐसा करें कि ये 12 थ्री ज़्यादा कितना है 36, इसको भी 36 बना लें, तो इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो आप क्या हो रहा है, अब आप देखो, अब हो रहा ना 4+3 7, 7 में से 7 गए 0, तो इसका एक फैक्टर कौन हो गया, x इज इक्वल टू 1/3 से हो रहा था, तो इसका एक फैक्टर हो गया x माइनस 1/3। तो आप ऐसा लिखो 12x² माइनस, ध्यान से सुनना, आप आपको क्या बनाना है, x माइनस 1/3, x इज इक्वल टू 1/3 से 0 हुआ, तो फैक्टर थ्योरम कह रहा है कि x माइनस 1/3 इसका फैक्टर होगा, तो x माइनस 1/3 अगर इसका फैक्टर है तो हम ऐसा बनाएं कि जिससे हमारा x माइनस 1/3 कॉमन आए। तो अभी x अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 1/3 x बचना, 1/3 बचना चाहिए, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, 7/12 को ऐसा लिख देते 1/3 x। अब मैं इसमें से कॉमन लूँ x, तो क्या बचेगा x माइनस 1/3, पर अभी हमारे पास जो है एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है, माइनस 7/12 x है, और उसमें से मैंने इसमें से क्या निकाल लिया, उसमें से मैंने इतना निकाल लिया माइनस 1/3 x निकाल लिया, तो इसको 1/3 x दे दो, तो 1/3 x दोगे तो क्या आएगा इसका एलसीएम, देखो एलसीएम आएगा इसका 12 और 3 का 12, 12 से डिवाइड किया तो 12 बन जा 12, 1 मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 7x, 3 4 जा 12, 4 मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 4x, ये हो जाएगा माइनस 3x बाय 12, तो ये 3 से कैंसिल कर दिया, तो अब हमारे पास जो बच गया वो बच गया माइनस 1/4 x प्लस 1/12, ये बचा। अब इसमें से क्या कॉमन ले लें, 12 एक्स कॉमन लें तो आएगा x माइनस 1/3, माइनस 1/4 कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज, x और प्लस की जगह माइनस 1/4 कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 1/3। अब दोनों में से क्या कॉमन ले लें हम, दोनों में से ये कॉमन ले लिया तो 12 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 1/3 और x माइनस 1/4, ये इसके आपके फैक्टर्स आ गए। तो देखो आप बहुत आसानी से हमने इसके फैक्टर्स निकाल दिए, पर हाँ इसके लिए जो मेथड थी वो फॉलो करना ही पड़ेगी आपको। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो 2 में आप सबसे पहले क्या कॉमन लें, 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 x प्लस 3/2। अब 3/2 के कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल हैं वो देख लेते हैं अपन, तो 3/2 के फैक्टर्स जो पॉसिबल हैं वो ये हो सकते हैं, 3/2 के फैक्टर्स जो पॉसिबल हैं वो हैं, एक तो प्लस माइनस 1/2 है और दूसरा है प्लस माइनस 3/2, ऐसे ही हो सकता है। तो सबसे पहले अपन 1/2 रख के चेक करते हैं, तो 1/2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 7/4 सब प्लस प्लस हो जाएंगे तो जीरो होगा ही नहीं, तो हम क्या करते हैं x की जगह माइनस 1/2 रख के चेक करो, माइनस 1/2 रख के चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर 7 इंटू माइनस 1/2 प्लस 3/2, तो 2 इंटू 1/4 माइनस 7/2 प्लस 3/2। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 4, 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 1 और 1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 2 2 जा 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो सॉरी ये 7
2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, और ये मल्टीप्लाई कर दिया 2 3 जा 6, तो ये आ गया हमारे पास। तो देखो 6 प्लस 1 7 7 माइनस 14, ये तो जीरो हो नहीं रहा है, तो इसको भूल जाओ। फिर अब नए कंसेप्ट पे आ जाते हैं, नई वैल्यू पे आ जाते हैं। तो नई वैल्यू क्या कहती है हमारी, कि x की जगह क्या डाल दें हम, -3/2 डाल दें। तो -3/2 डालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो -3/2 डाल देंगे तो ये हो जाएगा -3/2 का स्क्वायर 9/4, यहाँ पे -3/2 तो +(-7/2)(3/2)+(3/2), इसके डिनोमिनेटर में 4, इसके 4, इसके भी 4 बना दो। अब आप देखो ध्यान से, ये कितना आ गया आपके पास, 9 - 21 3 2 6, और अपॉन में कितना है 4, तो 9 + 6 = 15, 2x² + 3/2 2 3 6, इससे भी नहीं आया, 2x² + 3x + ओके नो प्रॉब्लम। तो अब अपने पास जो x की एक दो वैल्यूज और बची है, जैसे इसको ऊपर ऐसा भी लिख सकते थे अपन +-3, ये फैक्टर है इसका। तो अब -3 रख के देखते हैं, क्योंकि +3 से तो सारे प्लस 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 हो जाएंगे, -3 रख देते हैं। तो -3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 × -3² = 7/2 × -3 + 3/2, 2 × ये हो जाएगा 9 - 21/2 + 3/2, इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ गया, सबके डिनोमिनेटर में 2 आ गया, ये 9 2 जा 18, 18 + 3 = 21, 21 में से 21 गया तो 0। तो फिर इसका फैक्टर क्या बन गया अपने पास, इसका एक फैक्टर बन गया x - x = 3 से 0 हो रहा है, तो ये इसका एक फैक्टर बन गया x - 3। तो x - 3 इसका एक अगर फैक्टर बन गया, तो इसको ऐसा लिखें 2 × x² + 3x, और हमने इसमें से 3x ले लिया है 7x/2 में से, तो 3x माइनस कर दो, तो माइनस कर दोगे तो आप ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 7x - 6x / 2, तो 7x में से 6x गया तो क्या बचेगा, x x/2 + 3/2, ट्वाइस इनमें से x कॉमन ले लिया x + 3, इसमें से हमने कॉमन ले लिया 1/2 x + 3, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x + 3, तो अंदर क्या बचेगा x + 1/2, तो x ये इसके फैक्टर हो गए। इससे ये पता चला कि x की जगह -1/2 से भी सेटिस्फाई हो रहा है, वो छोटी सी कोई गड़बड़ हो गई, x की जगह -1/2 रखते तो भी 0 आता। तो एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, -1/2 से भी आएगा, क्योंकि इसका एक वैल्यू तो x + 3 यानी x = -3 है इसका, और एक है x की वैल्यू -1/2, दो जीरोज हैं इसके, एक -3 और एक -1/2। -1/2 में कैलकुलेशन की कोई एरर थी वो देख लेते हैं, -1/2 का स्क्वायर + 7 × 7/2 × -1/2 + आपके पास आ जाएगा 3/2, तो ये आ जाएगा आपके पास ट्वाइस, ये है -का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 + (-)-7/4 + 3/2। अब आप इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 - 6 + 1 7 7 - 7 0, तो ये आ जाएगा 2 × 0, तो ये भी एक इसका। तो आपकी जो वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू थी, x = -1/2, उससे भी इसका फैक्टर बन सकता था। उससे अगर बनाते आप तो उससे आपको पहले ऐसा लिखना पड़ता है, इसको x = x = -1/2 से 0 हो रहा था तो आपको x + 1/2 इसका एक फैक्टर मिलता। तो x + 1/2 के लिए क्या करते आप, x + 1/2 के लिए देखिए आप इसको 2x² + 7/2x है, उसमें से हमने 1/2x ले लिया तो कितने बचेंगे x हमारे पास, हमारे पास बचेंगे 6x/2 + 3/2,
इसमें से x कॉमन लिया 1 बाय टू, इसमें से क्या कॉमन ले लें 3 बाय टू, सॉरी इसमें से क्या कॉमन ले लें x प्लस 1 बाय टू है, और इसमें से कॉमन ले लेंगे हम x प्लस 1 बाय टू आ जाए हमारे पास, तो x प्लस 1 बाय टू के लिए हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 6x बाय टू, 6x बाय टू, तो 6x बाय टू से देखिए क्या आएगा आपके पास, 6x बाय टू मीन्स 3x, डरने की ज़रूरत नहीं है, तो ये लिख दिया मैंने 3 कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 बाय टू, और दोनों में से कॉमन आ जाएगा x प्लस 1 बाय टू, तो बाहर बचेगा आपके पास x प्लस 1 बाय टू इंटू टू, और अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 3। इसी तरह से आप और दूसरे जो क्वेश्चंस बचे उनके फैक्टर्स निकालिए और मुझे लिख बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आई। इनकी एक फैक्टर निकालने की एक डायरेक्ट टेक्निक भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।